अक्सर आपने रेत के उत्खनन या परिवहन का विरोध करते देखा या सुना होगा, लेकिन प्रदेश के शहडोल जिले में ठीक इससे उल्टा एक मामला सामने आया है, जहां रेत के कारोबार के समर्थन में तीन पंचायत के सरपंच सहित ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर रेत के कारोबार का समर्थन कर नेताओं का विरोध किया। दरअसल जिले के जनपद पंचायत बुडार के ग्राम पंचायत चंदपुर के लुकामपुर कुनक नदी में ग्लोबल सहकार कंपनी की खेत खदान ठेका है। इस खदान में क्षेत्र के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जो कि क्षेत्र के उच्च नेताओं को यह नागवार गुजर रहा है। यहां कुछ कथित नेता विरोध करते हुए रेत की खदान को बंद कराने में आमादा है। इसी बात से नाराज ग्राम पंचायत कोलुहा सरपंच धनुकोट, भोगड़ा पंचायत सरपंच नागेश्वरी सिंह, चंदपुर पंचायत सरपंच शिव प्रसाद सहित ग्रामीणों ने रेत खदान के समीप नेताओं की इस हरकत का विरोध किया। वहीं आदिवासी सरपंचों ने बताया कि पैसा एक्ट के तहत प्रस्ताव पास कराकर खदान स्वीकृत के लिए भेजा था। अब तक खदान चालू हो गई, पीएम आवास व अन्य विकास कार्यों के लिए रेत लगभग फ्री में मिल रही है, तो कथित नेताओं को इससे दिक्कत हो रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो खदान संचालक क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दे रही, उस रेत खदान को किसी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं ग्राम पंचायत कुलवा का सरपंच हूँ धनुकोल। यहाँ पे जो लुकामपुर पंचायत के अंतर्गत रेत खदान चालू है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, युवा वर्ग के बहुत से लोगों को 150-200 लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें अब कुछ नेता लोग आकर यहाँ पे रेत खदान बंद करा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार बंद होने जा रहा है। ये सब हम होने नहीं देंगे। हम पूरे गांव वाले, पूरे ग्राम के, ग्राम पंचायत चंदपुर, भोगड़ा, कुलहा, तीनों गांव के लोग, सरपंच मिलकर हम ये खदान चालू रखने की कोशिश करेंगे। कुछ नेता लोग इधर आते हैं और नदी में रेत का काम जो चल रहा है उसको बंद कराने के चक्कर में, अपने पेट भरने के चक्कर में वो काम बंद करा रहे हैं, जिससे गांव के युवा वर्ग कुछ को रोजगार मिला है अभी तक, और कुछ देने के लिए कंपनी बात की है कि हम देंगे बच्चों को, ठीक है, रोजगार। अब नेता लोग अपने पेट भरने के लिए चाहते हैं कि यहाँ के लोग रोजगार ना पाए, यहाँ का काम बंद हो जाए, यहाँ के जितने लोग हैं बेरोजगार ही रहे, हमारी पेट भरे, ओनली कंपनी का कहना ये है। तो हम काम बंद नहीं कराने देंगे, हम काम बंद नहीं कराने देंगे, काम कंटिन्यू चालू रहेगा और हमारे यहाँ के लोग रोजगार पाएंगे। तथा कथित नेता का उद्देश्य क्या है, क्यों बंद करवा रहे हैं? अपने जेब को गर्म करने के लिए नेता लोग काम बंद कराना चाहते हैं। मेरा नाम नागेश्वरी सिंह है, मैं ग्राम पंचायत भोगड़ा की सरपंच हूँ। और यहाँ पर जैसे रेत खदान की टेंडर मिला हुआ है खनिज विभाग को, तो हमारे गांव के जो बेरोजगार लोग हैं, युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको रोजगार मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर झाड़ी काट के रोड बनाया गया है गाड़ी, तो मतलब रेत ले जाने आने के लिए। और अपन अगर ग्राम पंचायत में सीसी रोड या आवास बनाते हैं तो उसके लिए अपन को फ्री रेता मिलता है। और यहाँ पर जो तीन पंचायत है, जैसे कि कुलहा है, चंदपुर है और ग्राम पंचायत भोगड़ा, परेशानी क्या आ रही है? तो परेशानी हम लोग कोई परेशानी नहीं है। बाकी अभी यहाँ पर जो है तो बीजेपी के कुछ पदाधिकारी आकर के रोक लगा रहे हैं कि रोजगार, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो जो गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको तो रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आई है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जो भी हम लोगों को आवश्यकता है रेत की, तो हमको फ्री में रेत दिया जा रहा है और दिया भी जाएगा। क्या नाम है आपका? नागेश्वरी सिंह। किस पंचायत से? ग्राम पंचायत भोगड़ा।